हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? ओके, बढ़िया। बच्चे, पिछले लास्ट क्लासेज में मैंने एनसीईआरटी का दो बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने बताया था। ओके, संभवतः आप सभी लोग भी क्वेश्चंस बना रहे होंगे, है ना? एक बात, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें स्पेशली आपसे करना जरूरी हो गया है। जरूरी क्या है? आप सभी लोग बच्चे रिपोर्ट्स करेंगे मुझे। अब चूंकि हर जगह थोड़ी थोड़ी है ना कि बुक्स वगैरह की दुकानों में आपके छूट दी जा रही है, तो संभवतः आप सब लोग क्या करेंगे, अपने नियरेस्ट टाउन में जो नियरेस्ट मार्केट है, 1 घंटा ही बुक्स की दुकानें खुल रहा हो या 2 घंटा की बुक्स की दुकानें खुल रही हो, आप बुक्स सबसे पहले क्या करें, मंगवा लें। राइट? आप कहने के यहाँ पे संभवतः जो हो सके, आप कहने के यहाँ पे बुक्स एसके सिंह वाली बुक्स, या आपका गोयल एंड गोयल, आपका जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो गोयल एंड गोयल वाली बुक्स जो है वो मंगवा लें। ओके, तो इससे क्या होगा, आपके पास थ्योरी अवेलेबल होगा डिटेल्स में पढ़ने के लिए। ये तो अभी मैं नॉमरिकल आपके पास मैं भेज पाता हूं, और एनसीईआरटी का आपका पूरा बुक्स ही आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है और उसको आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे, एनसीईआरटी का आपका कुछ डिमेरिट्स बता दूं। नो डाउट वो अच्छी बुक्स है, ओके, वो बेस है, वो फाउंडेशन है, राइट है। लेकिन बच्चे, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके लैंग्वेजेस वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट नहीं होता, करेक्शन नहीं लोग करते हैं। यही एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है एनसीईआरटी का। ओके, आज से जो 10 साल पहले गलतियां था, आज भी है। राइट? इस गलती से रिलेटेड एक बच्चे ने आज मुझसे सवाल किया, जो कि इस बात पे मैं कई बार डिटेल्स में कह चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की बात करें या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें, इसमें मिस्टर ऋषि आनंद जिन्होंने आपका उसमें डॉट में लिखा है, उन्होंने सवाल किया कि सर सर आपने कहा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा हुआ है जाएगा। बच्चे, मिस्टर ऋषि आनंद आप पूरी बात को बच्चे डिटेल्स में नहीं सुनते हैं, और कान और दिमाग को दोनों खोल के रखा करें। क्लियर? क्यों आपका रखा करें ये बातें, मैं ये बात बता चुका हूं। पिछले नॉमरिकल में भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की चर्चा की गई थी। मैंने ये बात कहा था बच्चे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, ऑलवेज पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, नहीं जाएगा। लेकिन कुछ बुक्स के या कुछ ऑथर जो क्या करते हैं, जगह बचाने के का चलते वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं, जो कि 100% क्या है, रॉन्ग है, गलत है। आप किसी भी बुक्स में जब ओपन करके जब देखेंगे, तो ऑलवेज आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो या आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो, वो ऑलवेज जाता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये गोयल एंड गोयल की बुक्स की बात करें, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें, उसके मटेरियल्स में बात करें, या एसके सिंह में जो थ्योरी कहीं पे जो दिया हुआ होगा, आप उसमें जब पढ़ेंगे बच्चे, तो साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। अब दो टर्म नया आ गया, ठीक है, इसे बच्चे बहुत विस्तार से सीखना है। अब दो टर्म यहां पे नया आ गया कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये आगे सीखना है ना, इस पे एक्सपर्टीज होना है। लेकिन आप सब कुछ जानने और समझने के बाद आप एक्सपर्टीज हो पाएंगे। राइट? ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन आपका जो है लोन जो बात करें, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें या इंटरेस्ट ऑन आपका बैंक लोन की हम बात करें, ये ऑलवेज पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी क्या होगा, नहीं जाएगा। यदि कहीं पे दिया हुआ है तो वो 100% क्या है, 100% नहीं, 500% क्या है, रॉन्ग है, गलत है। राइट? हाँ, छापने के दौरान छाप देता है, ये तो पिछले दिन भी मैंने बोला और आज मैं स्पेशली उस पर ज्यादा क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बातें क्या हो, सेट कर जाए।
क्लियर। आप है कि आप बच्चे आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं और उससे आपको क्या होगा, वहां से भी आपको जवाब क्या होगा मिल जाएगा। क्लियर। तो संभवतः आप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंटरेस्ट ऑन सर पार्टनर्स लोन जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, सर आपका ऑलवेज पीएल अकाउंट में जाएगा। बच्चे ये पहले भी मैंने कहा था, आज फिर से मैं दोबारा क्लियर कर दिया हूं, राइट। लेकिन एनसीईआरटी में सर दिया हुआ है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो वो आपका गलत लिखा हुआ बच्चे, उसमें अमेंडमेंट नहीं करता, करेक्शन नहीं करता। तो करेक्शन नहीं करता तो उसमें हम सभी लोग कर क्या सकते हैं, राइट। तो जो लिखा हुआ है सर, आपने भी मैंने भी तो सर पढ़ के बोल दिया, आपसे सवाल कर लिया सर, मैं तो मेरे दिमाग में सर जो आपने बताया सर वो बात तो मैंने के दिमाग में डाला, लेकिन जस्ट अगले दिन मैं जब पढ़ा तो सर आपके मेरे दिमाग में कंफ्यूजन हो गया सर, और मैंने आपसे सवाल का जवाब पूछ लिया। हाँ बच्चे, मैं भी तो उसको क्लियर कर दे रहा हूं कि आप रहने के यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा करेक्ट कर लें और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आप आ जाएं, और कोई भी पूछे तो उसको रगड़ डालिए, उसको बता डालिए। क्लियर। आप उसको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मटेरियल से लेकर के ऑल इंडिया में या वर्ल्ड के किसी तरह के आपका बुक्स में आप कहने के यहाँ पे बताइए उसको कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करें या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की बात करें, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। ये दोनों क्या होता है आगे जानिएगा, लेकिन अभी आप ये पक्की तौर पे क्लियर कर समझ लीजिए, जान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ऑलवेज जाएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, ये एक पहला सवाल जो मैं डेली की तरह पहले डॉट्स में क्लियर करता हूं, उसके बाद में टॉपिक पे आता हूं। ओके, दूसरा जो है एक आपका क्वेश्चन था, एक बच्चे का 3 दिन पहले ही सवाल पूछा था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगा और मैं भूल गया, राइट। और बच्चे उसने पूछा था कि सर ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है, सर ये तो मुझे बता दीजिए, ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है, सर ये तो मुझे बता दीजिए। ओके बच्चे, तो ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है ये बात जरा समझ लीजिए आप सब लोग, सभी लोग। बच्चे रिजर्व मींस क्या होता है, जब हम अपनी इनकम का, प्रॉफिट्स का वह हिस्सा, हम लोग एक बिजनेसमैन है, ये बात और भी ध्यान रखिएगा, या हम अपने पर्सनल लाइफ में भी रिजर्व करते हैं बच्चे, फ्यूचर में होने वाली इमरजेंसी या फ्यूचर में होने वाली इमरजेंसी आपका या इमरजेंसी या आपका ना कि आप नॉर्मल सिचुएशन से मेंटेन करने के लिए, निपटने के लिए हम अपने इनकम का, प्रॉफिट्स का वह हिस्सा जो भविष्य के लिए बचा के रखते हैं उसी को हम लोग रिजर्व के नाम से जानते हैं। और आज के डेट से भी अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है, आज इस कोरोना वायरस की स्थिति में बचाइए, इतनी बड़ी जो त्रासदी पूरी दुनिया पे आया हुआ है, अब हर फैमिली का जो कुछ सेविंग करके रखे होंगे उन्हीं को आने के यहाँ पे दिक्कतें नहीं आ रही होगी, अदरवाइज जिस फैमिली के पास सेविंग नहीं होगा, जिसके पास रिजर्व पहले से कुछ पैसे नहीं होंगे, तो कितनी बड़ी त्रासदी में वो पड़ गए होंगे। नो डाउट उसको कहीं ना कहीं से फिर हेल्प कर लेना पड़ा होगा, वो अपने फैमिली मेंबर को या फ्रेंड्स हो, राइट, और वो बड़े मुश्किल हालात में रह रहे होंगे, राइट। तो बच्चे रिजर्व ऐसा ही विपरीत परिस्थितियों में, दुखद स्थिति में, इमरजेंसी के केस में रिजर्व आपका फंड का हमें यूज करना पड़ता है, राइट। तो रिजर्व है क्या सर, हम अपने इनकम का, प्रॉफिट्स का वह हिस्सा जो फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी या नुकसान से बचने के लिए, जब हम अपने इनकम का वह हिस्सा जो भविष्य के लिए बचा के रखते चले जाते हैं उसे हम लोग रिजर्व का दर्जा देते हैं, रिजर्व कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चे हम अपने बिजनेस में भी, हमें क्या पता कि इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में क्या होगा, कभी लाखों का प्रॉफिट तो कभी लाखों का लॉस, कभी करोड़ों का प्रॉफिट तो कभी करोड़ों का लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो सर हम फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगा तब ना यानी कि उस स्थितियों से निपट सकते हैं। यदि आपके पास रिजर्व ना हो और लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए तो क्या वो बिजनेस क्या होगा, तुरंत फेल कर जाएगा। तो इस फेल से बचाने में ही रिजर्व आपका काम आता है, ऐसे मुश्किल वक्त में ही आपका रिजर्व, आपका फंड का इस्तेमाल होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज हर फैमिली को रिजर्व ही क्या कर रहा है, इस कोरोना वायरस के क्राइसिस से क्या कर रहा है, निकाल करके आगे ले जा रहा है, राइट।
आपका अपनी फैमिली को चलाने में इस रिजर्व फंड का ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्लियर? तो संभवतः उस बच्चे का भी, जिस बच्चे का भी रहा था सवाल, उस दिन मैंने उसका नाम नहीं आपका नोट किया, राइट? ओके, कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल चुका होगा, तो ट्रांसफर टू रिजर्व ये बात समझ में आ चुका होगा। तो जब ये रिजर्व की बात कहेगा तो हम वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। बच्चे ये दोनों सवाल सर के यहाँ पे मैंने आपका पहले बता दिया, जो आपका मैं डेली की तरह पहले आप लोगों का मैं क्वेरीज लेता हूँ, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। और बच्चे आप फिर से आज मैं कह रहा हूँ, मैं यानी कि बहुत जल्द आपका लाइव होने वाला हूँ, आपके साथ एक दिन यानी कि यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस को आपका कर लीजिए और ओके कर करके आप भेजिएगा कि अपने अपने यानी कि यहाँ पे क्या, हाँ अपना नाम कि हाँ सर मैंने नोट कर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, हाँ मैंने सब्सक्राइब कर लिया। सारे बच्चे वो सीबीएसई बिहार बोर्ड सभी बच्चे वो अपने क्या करेंगे, अपना मैसेज पास आउट कर देंगे ताकि मैं यानी कि यहाँ पे समझ सकूं कि हाँ बच्चे ने आपका सब्सक्राइब कर लिया। और मैं फिर तब एक सर्टेन समय बताऊंगा और उसके बाद सर्टेन समय बताऊंगा और उस दिन मैं फिर आपका लाइव होऊंगा। तो मैं लाइव हो जाऊं और फिर लोगों तक मैं पहुंचू ही नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। इसलिए ये सबसे पहले मुझे आपको सब्सक्राइब आपको क्या होंगे, आप करवाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? या तो इस तरह से ये तो बातें हो गई जी। ओके बच्चे, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे फिर मैं आपको जब आपका लाइव हूं तो आप यहाँ पे हम लोग फेस टू फेस क्या करें, हम लोग बातचीत कर सके, राइट? तो आप अपने मैसेज को पास आउट करिएगा बच्चे। चलिए इन सारी बातों को करते हुए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हाँ जी बच्चे, आप सब लोग आज एक नए टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले लास्ट क्लास में मैंने एनसीईआरटी का दो न्यूमेरिकल मैंने बताया था, स्पेशली मैंने आपको फोकस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, इन सवाल पे मैंने आपको फोकस किया था। क्या बात समझ आ रही है? इन सारी बातों पे मैंने आपको चर्चा किया था, मैंने इन सारी बातों को मैंने आपको डिटेल्स में मैंने बातें बताई थी। ओके, अभी बहुत लंबा चलने वाला है बच्चे, बहुत सारे नई नई चीजें आने वाले हैं, है ना? बहुत सारे नए टॉपिक्स आएंगे। अभी जरेंट्रीज मुझे बताना है ना, अभी उसकी आप कहने की यहाँ पे जरेंट्री ऑलरेडी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने सीख लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी सीख लिया है। उसी से पहले हम लोगों का निकलता था क्या, जरेंट्रीज, और वो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, अभी आपको बताना है मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, साथ में मुझे बताना है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सब सारी बातें मुझे बताना है, राइट? उसके बाद मुझे रेंट के बारे में कुछ चर्चाएं करनी है। ओके, फिर हमें क्या पे मैनेजर्स कमीशन, आपका मैनेजर्स कमीशन के बारे में कुछ मुझे चर्चाएं करनी है। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, राइट? और उसी का हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन इन सारी बातों को डिटेल्स में चर्चा करते देने से पहले हम सभी लोग अब जो सीखेंगे, आज जो हम लोग कमांड करने वाले हैं, आज मेरा जो पूरा जो फोकस होगा, घंटा डेढ़ घंटा जितने देर तक लगेगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं क्या करूंगा, चर्चा करने वाला। सबसे पहला सवाल मन में ये उठा कि सर व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, और सर कोई फर्म अपने ही मालिक से ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा सर, ये बात मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है। सर पहले ये तो क्लियर कर दिया, सर मालिक हम ही लोग हैं और हमसे ही फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, सर कैसा लगेगा, आप तो मुझे बता दीजिए। बच्चे इसमें इमोशनल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है, आपको बिजनेस जब चला रहे हैं तो आप मालिक हैं तो मालिक हैं, लेकिन भैया जो सिस्टम है, जो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना, आपके हिसाब से या इंडिविजुअली हर व्यक्ति के हिसाब से रूल रेगुलेशन थोड़ी चेंज होते हैं, नहीं। तो भैया आप जो है, यदि मान लीजिए कि चार फ्रेंड मिलकर के आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस एस्टैब्लिश किया, राइट, और सभी के बीच में समझौता हुआ कि ड्राइंग करने का अधिकार होगा,
साथ में ये भी कंडीशन डाल दिया गया कि जो भी ड्राइंग करेगा फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करेगी, चार्ज करेगी 6% के रेट से या 7% के रेट से या 8% के रेट से या 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करने का, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए जाएंगे। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया जाता है सर, यही तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे सर। हाँ बच्चे, हम मालिक हैं सर, बड़े इमोशन को धक्का लग रहा है कि मुझे अपने ही फर्म में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ बच्चे, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बात को समझिएगा तब आप समझ जाएगा। हाँ सर, आपने तो बिल्कुल सही कहा सर, ओके। हाँ बच्चे, क्या करना है बच्चे, आप एक बार बताओ। चार फ्रेंड है। अब मान लीजिए कि आपको ड्राइंग करने का अधिकार मिला, बिल्कुल सीरियस आपका ड्राइंग है ना, यहाँ पे करने का अधिकार आपको मिला, राइट। तो बच्चे मान लीजिए कि आपका आपका मिस्टर राम, श्याम, रीता, सीता चार पार्टनर हैं और चार पार्टनर हैं, आपको ड्राइंग करने का अधिकार मिला, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग करेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे, राइट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया गया उसी का रीजन मैं समझा रहा हूं। यदि बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यदि कंडीशन ना डाला जाए तो वैसे सिचुएशन में जो पार्टनर जितनी मर्जी चाहे, अभी इमेजिन करें, कल्पना करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम का कोई चीज नहीं है, तो कोई भी अपने फैमिली मेंबर के आवश्यकता के नाम पे लोग मनमाना कभी 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 निकालना शुरू करेगा, और निकालना जब शुरू करेगा जब मर्जी चाहे जिसका निकालना शुरू कर देगा, तो क्या आपका कोई भी फर्म फिर आपका आपका चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। लोग फिर एक दूसरे को रोक नहीं पाएगा। जब मर्जी निकालने का है और जब मर्जी चाहो निकाल लो, तब तो ऐसे में क्या होगा, फर्म फेल कर जाएगा। और फर्म क्या आप चाहते हैं ऐसा, कितना रुपया, करोड़ रुपया आपने लगा लिया और आपका एक छोटी सी गलती के कारण क्या हो, आपके बिजनेस क्या हो, फेलियर हो जाए? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए कंडीशन डाला गया बच्चे कि जो आपका जो इंटरेस्ट आपका जो ड्राइंग करेगा, जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा, उसके आपका ड्राइंग किए गए अमाउंट पे फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट। आप सब लोग पार्टनर हैं, आप सभी लोग पार्टनर्स हैं, कोई अपनी फैमिली के लिए 1,00,000 रुपया निकाला, कोई 2,00,000 रुपया निकाला, कोई 3,00,000 निकाला, कोई 4,00,000 निकाला, ठीक है। पहले से समझौता था कि भैया 12% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, राइट, 12% पर एनम के रेट से। तो जो 1,00,000 रुपया जो निकाला, एक साल का 12,000 रुपया इंटरेस्ट में चार्ज करेगा, तो आपके कैपिटल से कितना कट जाएगा, 12,000 रुपया। और फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। आप पार्टनर हैं, आपने ड्राइंग किया, मिस्टर आपका राम, श्याम, आपका रीता, सीता, सब लोगों ने ड्राइंग किया, और फर्म क्या कर रही है, पार्टनरशिप फर्म आपके ड्राइंग किए गए अमाउंट पे क्या कर रही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। और इंटरेस्ट जब चार्ज कर रही है तो ये फर्म के लिए क्या हुआ, इनकम हो गया, जबकि आप लोगों के लिए क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हो गया। और आपके एक्सपेंडिचर होने के कारण आपका कैपिटल घटेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसका एंट्री होगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। और इसी इनकम होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, और आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर होने के कारण पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में या पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। बच्चे संभवतः आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, और साथ में जो है क्यों आपका उसका चार्ज करना चाहिए, क्यों आपका चार्ज करना चाहिए, इसके बारे में सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा, राइट। हाँ सर, इन सारे सवाल का जवाब तो मुझे मिल ही गया। हाँ बच्चे, अब सवाल मन में उठा, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका कैलकुलेट करने के तरीके क्या है? आज बच्चे आपको एक्सपर्टीज होना है, ठीक है। जितने समय लगे आज आपको आंख मूंद करके अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए, राइट, मेरे साथ आपको सीखना होगा, क्लियर। और आप सबको आज मैं एक्सपर्टीज बना दूंगा, और बहुत सारे सवाल जवाब मैं किया करूंगा, और अभी हम लोगों से कन्वर्सेशन भी होता रहेगा, राइट, ओके। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सवाल ये उठा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है और क्यों चार्ज करते हैं, सर ये दोनों सवाल का जवाब आपने क्या किया, सर दे दिया मुझे, राइट। हाँ बच्चे, मैंने इन दोनों सवाल का जवाब आपको क्या किया, दे दिया, ओके। बच्चे अब सवाल ये मन में उठा कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कितने मेथड से करते हैं,
बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। कितने बच्चे? 3 मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का। 3 मेथड्स होते हैं बच्चे। देखो जी, मैं यहाँ पे आपके मटेरियल्स में भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के? 3 मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जो है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन ऑफ आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? तो 3 मेथड। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा है आपका? नंबर 1 सबसे पहला है सिंपल मेथड। कौन सा बच्चे? सिंपल मेथड। दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड। और तीसरे का नाम होगा एवरेज क्रिएट मेथड। तीनों मेथड से मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख दूं मैं, मेथड्स ऑफ, मैं हेडिंग लिख दूं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। मेथड्स ऑफ आपका, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूं, है ना। ये आपका कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? तो इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड? 3 मेथड्स होते हैं बच्चे। ये आपका नंबर 1 सबसे पहले सिंपल मेथड। क्या बच्चे? सिंपल मेथड। ये आपका सिंपल मेथड। दूसरा जो मेथड होता है बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट आपका मेथड होता है। और तीसरा होता है बच्चे एवरेज क्रिएट मेथड होता है। एवरेज आपका पीरियड मेथड होता है, एवरेज पीरियड मेथड होता है। चलो जी, ये 3 मेथड्स होता है बच्चे। ये आपका 3 मेथड है, 3 मेथड से हम तीनों मेथड सीखेंगे, लेकिन बारी बारी से सीखेंगे। लेकिन आज पूरी की पूरी तीनों सीखेंगे। आज जितनी देर की क्लासेस हो आपका यानी कि चलता रहेगा, लेकिन बच्चे ये आपको यानी कि 3 मेथड्स एक क्लास में पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आपके अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? नंबर 1 सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं सिंपल मेथड का। सिंपल मेथड आप बचपन में भी एक आपका बच्चे 5th-6th क्लास में एक फार्मूला पढ़ना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, राइट? सिंपल इंटरेस्ट आपका इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, राइट? ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका एक फार्मूला होता है, PRT डिवाइडेड बाई आपका 100, राइट? इसको हम लोग SI भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में बोलते हैं SI। SI बराबर हमारा क्या हो गया? आपका SI बराबर हो गया PRT डिवाइडेड बाई 100, राइट? P मींस प्रिंसिपल, R मींस रेट, T मींस क्या हुआ? टाइम। प्रिंसिपल मींस आपका मूलधन, राइट? रेट मींस क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम मींस पीरियड, राइट? टाइम समय कितना है, ओके? आप जरा समझते चलिए बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर ये बात को समझ लीजिए बच्चे। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से सिखाऊंगा, और एग्जांपल से जब आप एक दो एग्जांपल जब सीख लीजिएगा तो उस तरह का किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक अकाउंटिंग ईयर लेने जा रहा हूं, 2017, और क्या होगा 18, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, राइट? ये जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? ये बच्चे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। कौन बच्चे? मिस्टर ए और मिस्टर आपका क्या हो गया? बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों हर महीने के लास्ट में 5000 पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है? 5000, दोनों 5000 रुपया आपका पर मंथ निकाल रहा है, राइट? ये हमारा 500 पर मंथ, ठीक है? ए आपका, ए और बी जो है कितने कितने निकाल रहे हैं? 5000 पर मंथ। और बी भी निकाल रहा है कितना? 5000 पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है? ए आपका जो है 5000 पर मंथ, और बी आपका कितना निकाल रहा है? 5000 पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है? ओके, तो ए जो है 5000 रुपया पर मंथ और बी भी 5000 रुपया पर मंथ। तो बच्चे या आपका 2000 रुपया पर मंथ या 1000 रुपया पर मंथ या 500 पर मंथ, समथिंग कोई अमाउंट हो सकता है जी आपको। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आप यानी कि किसी भी अमाउंट से रिलेट कर सकते हैं। और एक चीज सीख जाइएगा बच्चे, तो जितने सारे रहेंगे सब सीख जाइएगा, ओके? तो चलो हम लोग सिंपल में यहां से काम करें। इसका मतलब क्या है? ये आपका कब निकल रहा है? हर महीने के लास्ट में।
हम इसका जो लिए बच्चे आपका अकाउंटिंग ईयर क्या लिए 17 और 18 लिए, इसका मतलब आपको कहने की जरूरत नहीं है सर ये 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा और ये आपका कब क्लोज होगा 31 मार्च 2000 क्या होगा बच्चे 18 तक का होगा राइट ये तो 18 तक का हो जाएगा जी। हाँ सर मैंने बात समझ लिया सर। अभी बच्चे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मिस्टर ए और बी दोनों जो है 5000 पर मंथ जो है हर महीने के लास्ट में निकालता है, मतलब 5000 रुपया 5000 ए और बी। मैं अब बी को यहाँ पे इग्नोर करूंगा या आप दोनों को साथ में ले सकते हैं, ए और बी दोनों हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है। सर आप कुछ लोग बच्चे तुरंत सोचना शुरू कर दिए होंगे सर क्या हर महीने के लास्ट में ही निकालेगा, ना बाबा ना, मैं तो भी एग्जांपल दे रहा हूं। आप 5000 पर मंथ जो है हर महीने के लास्ट में निकाले या बीच में निकाले या कभी भी निकाले किसी दिन निकाले उस वक्त हम एक जब सीख जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं सारे के सारे। ओके तो पहले तो आप आराम आराम वाला प्रॉब्लम सीखिए, आप जो सिंपल तरीके का जो बात है वो सीख लीजिए तो डिफिकल्ट भी आपको बातें समझ में क्या होगी आ जाएगी राइट। ओके तो 5000 पर मंथ क्या है, दोनों ने 5000 रुपया पर मंथ आपका हर महीने के लास्ट में निकालने का क्या किया फैसला लिया। आपका अप्रैल के लास्ट में 5000 रुपया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5000, 5000, 5000, right? 5000, 5000, 5000. हर महीने के लास्ट में निकाला। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60% मिलेगा, नहीं आपका 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4.5% हो सकता है, 5.5% हो सकता है, 7.5% हो सकता है। ये तो मैंने सिंपल जो डेटा लिया कि आसानी से मुझे कैलकुलेट करना आपका कैलकुलेट हो जाएगा, मुझे कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाफट मैं काट काट के आपका आपका आंसर भी आता चला जाएगा। इसलिए अब मैं बच्चे ले लूं 2.75 है ना 2.75, तो हर आपका मुझे जितना बार कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो भैया सीखने का जरूरत है ना, आप सिंपल वे समझिए ना, कैलकुलेशन आपको आता है, मैं जानता हूं कि बचपन से आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सर तो ये बात समझा करिए बच्चे, बात समझा कीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ए और बी दोनों में जब हम ए का केवल कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे तो बी का भी उतना ही हो जाएगा राइट। हाँ बी यदि अलग अलग अमाउंट निकालेगा तो अलग आपका उसका आंसर आएगा, आपका अलग होगा, एक अलग होगा। ओके तो भाई एक जब कैलकुलेशन सीख जाएगा तो हर को आपका सिचुएशन से कैलकुलेट करना सीख जाएगा राइट। हो गया क्लियर? हाँ सर हो गया क्लियर, यहां तक हो गया। एक बात बताओ बच्चे, अब जो मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है, अब देखिए अब आपका मिस्टर ए की कहानी मैं दिखाता हूं। पहला ड्रॉइंग कब किया बच्चे, 30 अप्रैल को किया, हर महीने के लास्ट में किया, तो अप्रैल में किया 30 अप्रैल को, फिर आपका क्या है 31 मई को, फिर उसके बाद 30 जून को, इसी प्रकार से। तो ये देखिए आपका पहला जो ड्राइंग करेगा, मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मिस्टर ए के लिए सिखा रहा हूं बच्चे, पहले 5000 निकाला बच्चे, 5000 निकाला तो आपका जो हम लोग इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट करेंगे वो कब करेंगे, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में करेंगे, साल के क्या करेंगे, अंत में करेंगे राइट, साल के अंत में करेंगे ठीक है। 5000 पर मंथ है ना यहाँ पे निकाला जा रहा है, 5000 पर मंथ निकाला जा रहा है ठीक है, 5000 पर मंथ निकाला जा रहा है बच्चे। तो ये 5000 रुपया पर मंथ है ना यहाँ पे, 5000 पर मंथ एनर्जी निकाला जा रहा, हर महीने के लास्ट में निकाला जा रहा, हर महीने के लास्ट में निकाला जा रहा राइट। ये हमारा 5000 रुपया 5000 रुपया 5000 रुपया। बोलिए तो पहला जो ड्राइंग किया इस डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के क्लोजिंग डेट के बीच के पीरियड कितना है, इसके इसके बीच का पीरियड कितना है मुझे आप ये बता दीजिए बच्चे। इसके इसके बीच का जो पीरियड है वो कितने मंथ का है, 11 मंथ का है, कितने का, 11 मंथ का है। पहला जो ड्राइंग हुआ है आपका 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का जोड़िए तो आपका क्या हो गया, मई यानी फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इसका मतलब पहला ड्राइंग पे जो मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, कितने मंथ का चार्ज करना पड़ेगा? 11 मंथ का करना पड़ेगा। तो बच्चे यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। ये पहला ड्राइंग हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो इस 5,000 रुपये पे हम लोग आपका क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट के रेट से? 6% के रेट से। कितने मंथ के लिए करेंगे? पी हमारा हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितने हो गए? 5,000 रुपया। फिर हमारा आर, आपका आर बराबर कितना हो गया? 6 मंथ हो गया बच्चे। टाइम कितना हो गया? 11 मंथ हो गया। तो इनटू 11 बाई क्या होगा? 12। 11 बाई क्या होगा? 12। चूंकि नंबर ऑफ मंथ में है बच्चे, तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, इनटू कितना होगा? 100। काट देंगे सर, काट देंगे। देखिए कितना आसानी से कर दिया। ये हमारा हो जाएगा बच्चे, या 20 हमारा 5, ओके। तो 25 हमारा हो गया, ये आपका हो जाएगा। हमें आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा जी, है ना। ये देखो, ये आपका फटाफट है ना, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये टोटल आपका हो गया 2000 हो गया, ये हमारा हो जाएगा जी, ये आपका। चलो बच्चे, 25 इंटू आपका 11, 25, और ये हमारा हो जाएगा 275, राइट। यहाँ पे आ गया कितना बच्चे? 275 रुपीज। चलो जी, इसका मैंने कैलकुलेट करके ले आया कितना, 275 रुपीज पहला हमारा। दूसरा फिर हमारा क्या होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप बताओ, पहला तो हमारा 11 मंथ के लिए हो गया। ये पहला जो ड्राइंग किया 30 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 30 अप्रैल को जब किया तो 11 मंथ हो गया। दूसरा वाला बच्चे यहाँ पे जो 5,000 निकालेगा, इसके बीच का और इसके बीच का पीरियड कितना होगा? 10 मंथ होगा। कितना बच्चे? 10। फिर कितना होगा? 9। फिर कितना होगा? 8। फिर कितना होगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, राइट, ऐसे होगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि सर, अब जब 5,000 का जब हमें निकालेंगे, सेकंड ड्राइंग हुआ, 6% के रेट से 10 हो गया, 10 बाई कितना होगा? 12 इंटू हमारा 100, ये मैंने कर दिया सर, ये हमारा हो जाएगा हमारा 2, और ये हमारा हो जाएगा 25, ये आंसर आ जाएगा सर 200 कितना होगा? 50। 200 कितना होगा? 50, 250 रुपये होंगे। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हो जाएगा फिर 5,000 इंटू हमारा 6 इंटू हमारा 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू हमारा 100, काट दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा 25, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा, 11, 10 मंथ आपका घटता जा रहा है बच्चे। तो ये हमारा 220 कितना होगा? 225। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं आप, नीचे समझ रहे होंगे कि 25 रुपीज क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, राइट। तो इसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे 25 25 25 और घटता चला जाएगा। तो फिर हमारा अगला जो हमारा आने वाला है 200, फिर 175 150, फिर 125, राइट, 100, फिर हमारा कितना होगा? 75, हमारा कितना होगा? 50 25, फिर उसके बाद आपका लास्ट वाले में कितना होगा? 0। कितना होगा बच्चे? 0। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार आपने निकाला, 12 बार लास्ट वाले में 0 आ गया। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट डे को आपने निकाला, और जब लास्ट डे को निकाला तो उस दिन का तो इंटरेस्ट क्या होगा? लगेगा नहीं। तो अब टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? सबको आप जब जोड़ दीजिएगा तो जितना आ गया वही आपके लिए टोटल इंटरेस्ट ऑन क्या होंगे? ड्रॉइंग्स हो जाएंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं? हाँ सर, समझ में आ गया बच्चे। मैं इसी को आपका एक छोटा सा और मैं आपको छोटा सा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे 5,000 था, ठीक है, मैं अब एक सिंपल फिगर बना रहा हूं। यदि 1,000 पर मंथ निकाले तो क्या होगा?
होगा, है ना, 1000 रुपीज पर मंथ निकालेगा तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होंगे, ये अब आपको मैं सिखा रहा हूं। अभी तो आपने 5000 पर मंथ निकाला तो पूरे 12 बार में हमारा टोटल इंटरेस्ट को जब हम जोड़ देंगे तो वही हमारा इंटरेस्ट ऑन क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग। ए के लिए जितना हो जाएगा उतना ही बी के लिए भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट हर महीने के लास्ट में क्या किया है, निकाला है, राइट। ये चीजें तो बच्चे आप देखो, हमारा 200 आपका 75 हो गए, हमारा 275, ओके, तो ये 275, 250, 225, 200, 175, 150, 125, 175, 50 और 25 और क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो इस तरह से आपका जो है ये इतना मैंने आपको बता दिया है ना, ये ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूं और मैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको लेता हूं, जो छोटा छोटा फिगर आपका रखेंगे तो आपको और कैलकुलेशन करना क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो जी, मैं अब 1000 आपका हर महीने के लास्ट में जो मैं ले रहा हूं बच्चे, 1000 मैं लेने जा रहा हूं, कितना बच्चे, 1000 मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी सर, 1000 आप ले लीजिए सर, ज्यादा क्योंकि मुझे और आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना बच्चे। 1000 इस तरह से हर महीने के लास्ट में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो बच्चे आप देखो, ये हमारा पहला मिस्टर ए ने हर महीने के लास्ट में निकाला है बच्चे। तो हर महीने के लास्ट में का मतलब क्या होगा, ये हमारा 1 अप्रैल से जब शुरू हुआ, इसका लास्ट कब आएगा बच्चे, 30 अप्रैल को। मई का लास्ट कब आएगा, 31 मई को। जून का कब आएगा, 30 जून को। आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट वाइज 31 मार्च को होगा, है ना। या अब इतना तो बात समझ में आता है ना कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ कौन कहलाता है और लास्ट डे ऑफ मंथ कौन कहलाता है। हाँ सर, आप तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर लगता है हम लोग कुछ जानते ही नहीं। हाँ बच्चे आप जानते हैं, लेकिन मैं याद दिलाता रहता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ऐसी ऐसी बातें किया करता हूँ ताकि आपको है ना यहाँ पे ज्यादा ही क्लियर रहे और आपको समझ में आ सके, क्लियर। तो चलो जी, 1000 1000 1000 ओके। तो बच्चे मान लीजिए कि सर आप बताइए, 1000 जब हर महीने के लास्ट में जब हम निकाल रहे हैं बच्चे, तो ये 12000 रुपया, कितना बच्चे, 12000 रुपया, ये हमारा पहला आपका पहला मंथ में हमने निकाला। फर्स्ट मंथ में हमने जब निकाला 30 अप्रैल को, तो 1000 रुपया हुआ। उस पर कितने मंथ का चार्ज होगा, उस पर 11 मंथ का चार्ज होगा, कितने मंथ का, 11 मंथ का चार्ज हो जाएगा, क्लियर। तो 11 मंथ का चार्ज हो जाएगा 1000 × 6% के रेट से, 11 बाई क्या होगा, 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, राइट, कर दिए, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5, ये कितना आ गया, 55, कितना बच्चे, 55। फिर जब कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो 1000 × 6% × 15 मंथ हो जाएगा, 10/12 कितना होगा, 100, ये हमारा हो जाएगा 2। आप गौर से जब देख रहे होंगे बच्चे, तो फिर हमारा हो गया 50, फिर कितना होगा, 45, कितना होगा बच्चे, 45, फिर कितना होगा, 40, 35, फिर कितना होगा, 30, 25, राइट, फिर 20, 15, ठीक है, 15, फिर कितना, 10, 5, और कितना होगा, 0। अब सबको मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, टोटल आपको जब मैं जोड़ूंगा तो बच्चे आप देखो कितने आ जाएंगे, टोटल जब मैं आपका जोड़ दूंगा तो देखिए कितने आ जाएंगे, वो आप है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले कितना आ जाने वाला है, ये फटाफट कोई भी बच्चा बचा सकता है, तो सर आपका हो जाएगा, कितना बच्चे, 330, ओके। आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 300 कितना आ रहा है, 30। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतने हो गए 330, राइट। तो बच्चे आप देख रहे होंगे कि इस मेथड का नाम क्या है, सिंपल मेथड।
आप लोग कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा काम करवा दिया, 12 बार सर कैलकुलेट करवाया और कह रहे सिंपल मेथड, ये तो सबसे लंबा मेथड है। बच्चे सिंपल मेथड इस पे नाम आपका कैलकुलेशन पे नहीं रखा गया, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाया गया ना उस पे ये सिंपल मेथड इसका नाम पड़ा है, राइट। तो आपको यहाँ पे 12 बार कैलकुलेट करना पड़ा तो सर निकलेगा। बच्चे ये तो हर महीने के लास्ट में सर आपका कर दिया तो निकाल लिया। अब यदि हर महीने के आपका 15 तारीख को निकाले, हर महीने के बीच में निकाले, तो बच्चे हर महीने के बीच में निकालेगा, हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा तो सर कितने हो जाएंगे। पहला जब निकालेगा तो पहला मंथ में आपका पहला वाला जब निकालेगा तो 11.5 महीने का चार्ज होगा, 11.5 10 है ना, 11.5 मंथ, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, राइट। और लास्ट में जो जीरो हुआ था यहाँ पे कितना होगा, हाफ मंथ का चार्ज होगा। कितने मंथ का, हाफ मंथ का, क्योंकि आपको मैंने कहा हर महीने के 15 तारीख को निकाल रहा है, तो लास्ट मार्च वाला महीना में कब निकालेगा, 15 मार्च को, तो अभी भी 6 महीना आपका आपका 15 दिन तो बाकी है ना, तो हाफ महीना होगा ना, राइट। हाँ सर ये हो गया, लेकिन सर ये तो आपका कभी हर महीने की पहली तारीख को निकाले, हर महीने की पहली तारीख को निकाले तो सर आपका पहली अप्रैल को, पहली आपका मई को, जून को, तो सर आपका जब पहली अप्रैल को जब निकालेगा तो बच्चे कितना हो जाएगा इस ड्राइंग पे हमारा जब निकालेगा तो यहां से यहां तक का जो पीरियड हो जाएगा 12 मंथ। तो पहला वाले पे कितना मंथ का चार्ज होगा, 12 महीने का चार्ज होगा। दूसरे वाले पे कितना होगा, 11 मंथ का होगा, आपका 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। ये चीज हो गया सर, ये तो मंथ वाला आपने क्लियर कर दिया सर। लेकिन सर आपका ये जो है सर, यदि बीच में निकाले तो कैसे होगा सर, बीच में निकालेगा तो भी होगा बच्चे, कभी मान लीजिए सर निकाले 10th अप्रैल को निकाले सर, कभी 20th मार्च को निकाले सर, कभी यानी कि आप 30th मार्च को निकाले, या मान ली 2-3 महीना बीच में छोड़ दे फिर बीच में निकाले, तो बच्चे जिस डेट में भी निकाले तो मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज, राइट। तो जब भी निकाले उस डेट से लेकर के लास्ट डे के बीच का नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, राइट। और नंबर ऑफ डेज जब यहाँ पे लिखेंगे, जब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिखेंगे तो नीचे 12 के जगह पे कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना दिन, 365 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जब नंबर ऑफ मंथ में पीरियड था तो 12 से डिवाइड करना पड़ा, तो डेज में जब आ जाएगा तो 365 से क्या होंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया, हाँ सर ये बात क्लियर हो गया सर। अब नंबर ऑफ डेज वाली बात तो सर समझ में आ गया सर। किसी भी तरह का आप सवाल देगा, हर महीने की पहली तारीख को निकाले या 15 तारीख को निकाले या लास्ट में निकाले या सर किसी भी मंथ के बीच में निकाले, सर ये तो हम कैलकुलेट अप करने लायक हो गए सर, मुझे ये बात समझ में आ गया। लेकिन सर आपने इसे सिंपल मेथड का सर ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा है सर, ये बात मुझे यानी कि अंदर नहीं जा रहा है सर। क्या बच्चे आपका आप सवाल करेंगे सर क्या इससे कोई आसान मेथड है, हाँ बाबा है ना, मैं आपका क्या आसान मेथड आप लोग सीखना चाहते हैं, हाँ सर आप जल्दी से बताइए सर, ये तो बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशन है सर, कोई आसान मेथड है तो बता दीजिए। हाँ बच्चे उसी आसान मेथड के लिए, उसी सिंपल मेथड के लिए एक नए मेथड का आविष्कार किया गया जिसका नाम क्या रखा, प्रोडक्ट मेथड। क्या बच्चे, प्रोडक्ट मेथड, याद रखिएगा बच्चे। अभी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना आया है, 330, तो हम किसी भी मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो 330 ही आना चाहिए ना, या ओके ये एक बार जरूर फिर से कैलकुलेट कर लेते 330, क्योंकि मैं बार बार चेक करूंगा है ना, तो एक बार आपके मुझे चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 330 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, 330 आपका आने की संभवता आएगा, 330 ही आएगा, ठीक है जी। तो चलो 330 आ गया। अब सवाल उठा सर प्रोडक्ट मेथड से हम कैसे बनाते हैं सर, हाँ सर प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं ये बात आप समझिए और जानिए। सिंपल मेथड क्या बच्चे आपने सीख लिया ना, हाँ सर मिटा दूं मैं, हाँ सर अब मिटा दीजिए, अब मुझे प्रोडक्ट मेथड सिखाइए। लेकिन साथ में ये आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरे जब मैंने ये हजार रुपया मैंने जब निकाला हर महीने के लास्ट में, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना आ गया, 330। तो किसी मेथड से मैं निकालू सर, मैं आपका प्रोडक्ट मेथड से निकालू या एवरेज प्रीमियम मेथड से निकालू, 330 ही आना चाहिए ना। हाँ भाई यही तो प्रूफ करके मुझे दिखाना है आपको सर। क्या ये बड़ा मुश्किल लगा सर, ये बड़े लंबे कैलकुलेशन आसान था सर, बचपन से मैंने पढ़ा, लेकिन सर इतने लंबे चौड़े सर 12 बार सर निकाला तो 12 बार कैलकुलेट करना पड़ा सर, इससे कोई आसान मेथड बता दीजिए तो बेहतर होगा। हाँ बच्चे आप देखो ना बड़े आसान मेथड है
और आप देख लीजिए बड़ा आसान मेथड है, वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? ओके, दूसरा मेथड बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड में बच्चे फार्मूला लिखवाया हुआ मेरा है, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला मैंने लिख रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल आपका प्रोडक्ट्स इनटू रेट इनटू 1/12 × 100, राइट? देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं सिर्फ यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फार्मूला मैं लिख देता हूं बच्चे, जो मुझे अभी इस्तेमाल होगा आपका टोटल प्रोडक्ट, बच्चे क्या टोटल प्रोडक्ट इनटू आपका क्या होगा रेट इनटू 1/12, 1 बाय कितना होगा 12 होगा, इनटू 1/12 होगा इनटू कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, इनटू कितना होगा 100 हो जाएगा। सर ये फार्मूला आपने तो सर लिख दिया, ठीक है, ये आपने सवाल आपने लिख दिया सर, ये है यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है? ये इंटरेस्ट ऑन आपका क्या है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर आपको है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू क्या है 1/12 इंटू आपका क्या है 100, ठीक है? ये सर ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद अगला, तो बच्चे आप कैसे कैलकुलेट करिएगा सर ये तो मुझे बता दीजिए। हाँ बच्चे आप देखो अभी हजार हजार वाला ही एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके लिए आसान है, आपका एक लाइन मैं फिर से खींच देता हूं ताकि आप सब लोग समझ सके। ये हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च हो गया, ठीक है, मार्च हो गया बच्चे। तो ये आपका हजार रुपया पर मंथ निकाला जा रहा है, 1000 1000 1000, ये हर महीने के क्या हो रहे लास्ट में निकाले जा रहे हैं, ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट का रेट क्या है जी 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 6% पर एनम, 6% क्या है पर एनम है, राइट, ये 6% पर एनम है। ओके तो बच्चे देखो अब हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं सर वो समझ लीजिए, बच्चे प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम जो लिखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी अमाउंट ऑफ ड्राइंग, और ये हमारा पीरियड और ये हमारा प्रोडक्ट्स लिखा जाता है, ठीक है, या यहाँ पे हो गया। सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ आपका क्या होगा ड्राइंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। दूसरा हमारा क्या होगा बच्चे पीरियड, राइट, और ये हमारा हो जाएगा क्या हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके बच्चे देखो आप बताइए आपने पहला ड्राइंग कितना किया, हम एक पार्टनर के लिए पहले सिखा रहे हैं, एक पार्टनर के लिए पहला ड्राइंग कितना किया बच्चे 1000, कितना किया 1000, राइट, तो ये आपका 1000 आपका, तो कितने आपका 1000 जब निकाला कितने हमारा मंथ है इस आपका डेट से लेकर के इस डेट के बीच का क्लोजिंग डेट के बीच का पीरियड कितना हुआ 11 मंथ, कितना बच्चे 11, तो हमारा 1000 कितना बार निकाला आपका 12 टाइम्स निकाला, राइट, तो ये 12 टाइम्स मैं यहां पे पहले लिख दूं, 12 टाइम्स पहले मैं लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं 12 बार यहां पे लिख दूं मैं, ठीक है, 12 टाइम्स पहले लिख दूं मैं, ठीक है, ये जी आपका 12 टाइम्स मैं आपका लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे देखो हमारा ये 12 टाइम्स मैं कर दूं तो ये यहाँ पे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 12 टाइम्स। ओके तो बच्चे ये आपका 12 टाइम्स आप है ना यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 12 टाइम्स हमारा जो है अब मैं यहाँ पे स्पेसिमेन में बना दूं, ठीक है, हाँ जी सर ये देख लीजिए
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अभी भी हमें आपका तीन बार और कैलकुलेट करना बच्चे। देखो यहाँ पे जगह नहीं है बच्चे, तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर फिर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, चूंकि फिर नीचे नहीं आ पाएगा। तो जो बच्चे आप देखो फिर हमारा 1,091, फिर हमारा 1,000 और फिर हमारा 1,000, राइट बच्चे। यदि मान लीजिए कि 2,000 रहता तो 2,000 होता, यदि आपका 1,000 यहाँ निकालता तो 1,000, 2,000 यहाँ निकालता तो 2,000, 3,000 यहाँ निकालता तो 3,000, 4,000 जब निकालता तो 4,000, 5,000 जितना निकालता उतना फिर हम लोग लिखा करते। इस डेट से लेके इस डेट का पीरियड कितना है बच्चे, 11 है, फिर कितना है 10, फिर कितना है 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, राइट। ये सर ये आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आपका पीरियड और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लिकेशन आता है, आंसर आता है। तो ये दिस इनटू दिस आपका 11,000 या 11,000, फिर कितना होगा 10,000, फिर उसके बाद कितना 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 या 5,000, 4,000, 3,000, राइट 3,000, ओके। फिर आपका कितना हो जाएगा 2,000, 1,000 और फिर कितना होगा 0, कितना 0, राइट। या सबको जोड़ेंगे सर, सबको आप जब जोड़ेंगे बच्चे तो ये आपका आप सामने देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा, ये आपका 0,0, ये हमारा हो जाएगा आपका 10, 10, 18, ये देखो बच्चे कितना हो गया आपका 66,000, कितने हो गए 66,000, राइट। अब 66,000 हो गया तो बच्चे अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर देखो यहां से निकल जाएगा फार्मूला क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर सबसे पहले क्या हुआ टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब सब प्रोडक्ट्स को मैंने क्या किया जोड़ दिया, प्रोडक्ट को मैंने जोड़ दिया, टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए बच्चे 66,000, कितना आ गया 66,000 आ गया। रेट कितना था जी 6% के रेट से, कितने परसेंट 6% के रेट से, और ये यहाँ पे कितना हो गया 1/12 हो गया, कितना जी 1/12 इनटू हमारा कितना होगा 100, कितना जी 100, यह हमारा हो जाएगा ऐसे ऐसे और ये हमारा 2 हो जाएगा और ये आपका होगा 300, कितना होगा बच्चे 30, 330। देखिए आंसर भी आपका आया हुआ था 300, कितना 30, इससे पहले भी आंसर आपका कितना आया हुआ था 330। तो बच्चे आपका सिंपल मेथड से भी जब कैलकुलेट आपने किया तो 330 आया, और इस मेथड से भी आपने कैलकुलेट किया तो कितने आ गए 330 आ गया, राइट, कितना आ गया 330 आ गया। हाँ सर, तो अब बताइए कि सर क्या सिंपल मेथड से क्या आपका प्रोडक्ट मेथड थोड़ा आसान लगा? हाँ सर, आसान थोड़ा लगा, वहां पे सर 12 बार कैलकुलेट करना पड़ा था, सर यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करना पड़ा, लेकिन सर एक बार कैलकुलेट करने के लिए मुझे सर एक टेबल बनाना पड़ा, वो प्रोडक्ट मेथड के लिए एक टेबल बनाना पड़ा। हाँ बच्चे आपको थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा ही, हाँ, तो सर उससे तो मुझे ये आसान लगा सर, हाँ सर, और 330 आ भी गया सर, दोनों मेथड से यानी यहाँ पे आ चुका है। तो बच्चे अब इसके आगे यानी यहाँ पे सर अगला तो बताइए सर, इससे भी कोई आसान मेथड है तो सर बता दीजिए, मैं देखूं और सर बोलूं, मैं देखूं और जवाब दे दूं, सर ऐसा तो कोई मेथड आप बता दीजिए। हाँ बच्चे एक मेथड और है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या एवरेज स्प्रिंग मेथड, राइट। एवरेज स्प्रिंग मेथड जो है उसी से आप अभी जो सीखेंगे तो आप एक्सपर्टीज हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंटरेस्ट और ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और लोगों को भी आप बढ़िया से क्या होंगे सिखा पाएंगे, राइट। तो आप सब लोग सीखिए मेरे साथ, आपका सर आपका कौन सा मेथड से एवरेज स्प्रिंग मेथड से। लेकिन बच्चे दोनों मेथड पे थोड़ा सा फिर से मैं चर्चा करूं, सिंपल मेथड जो है वो आपका किसी भी तरह के अमाउंट निकालने पे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है,
वो हर महीने के लास्ट में निकाले या 15 तारीख को निकाले या पहली तारीख को निकाले या कभी 10 जनवरी को, सॉरी आपका 10th आपका अप्रैल को या 28 आपका मई को या बीच में कभी भी किसी भी अमाउंट का निकाले, वो सिंपल मेथड लागू। लेकिन प्रोडक्ट मेथड मेरा जो लागू होगा, कब लागू होगा, कब फेल कर जाएगा, ये समझ लीजिए। कब लागू होगा, कब फेल कर जाएगा बच्चे, यहां पे हमारा जो है नंबर ऑफ मंथ हमारा एंड आपका क्या हो, आपका 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देख पे होंगे, है ना, ये होल नंबर में। तो ये कंडीशन है बाय प्रोडक्ट मेथड के लिए, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अमाउंट आपका जो है इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ जो मंथ होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, है ना। कितने में होना चाहिए, होल नंबर में। ऐसा नहीं कि हमारा क्या हो गया सर, आपका हो जा रहा है आपका 42 दिन हो रहा है, 45 दिन हो रहा है, 67 दिन हो रहा है। नंबर ऑफ डेज इस तरह का यदि रहेगा तो ये बाय प्रोडक्ट मेथड वहां पे लागू क्या होगा, नहीं होगा। ये तभी लागू होगा जब मेरा ये होल नंबर में रहेगा, तभी लागू होगा। क्लियर? हाँ सर, ये तो मेरे दिमाग में आपने सर डाल दिया। हाँ सर, ये मुझे आपका बाद में सवाल उठ सकता था सर, लेकिन इन सवाल को सवाल का जवाब आपने सर दे दिया। मेरे मन में जो सवाल उठने वाले थे या उठते सर, आज नहीं उठता कल उठता, लेकिन उसका सवाल का जवाब आपने सर पहले ही मुझे क्या किया, दे दिया। हाँ बच्चे, मुझे यानी यहाँ पे चूंकि हजारों बच्चों को है ना यहाँ पे मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चे, तो मुझे पता रहता है ना कि आपको कौन से बच्चे कैसे सवाल करते हैं, है ना। तो ये बात है ना यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा, है ना। ओके, तो चलिए बच्चे अगला मेथड सर, इससे तो आसान मेथड प्रोडक्ट मेथड लगा, प्रोडक्ट मेथड से भी कोई आसान मेथड बता दीजिए सर जो मैं देखूं और बोलूं। हाँ जी, वैसा मेथड एक और है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। क्या कहते हैं बच्चे? एवरेज पीरियड मेथड कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग एवरेज पीरियड मेथड पे। तो मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए। अब है ना, लेकिन बच्चे नोट कर लिया कीजिएगा, है ना, मैं बीच में आपका लास्ट में ऐसे छोड़ता हूँ, इसलिए यानी कि आपने जो नीचे थोड़ा सा नहीं दिखता होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका यानी कि यहाँ पे 12 महीना हमें पूरा करना है, तो आपका 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से ये यानी कि यहाँ पे वीडियो इसको फिर पॉज कर करके, आपका पॉज कर करके इसको यहाँ पे क्लिक कर करके आप जूम करके क्या करेंगे, नोट किया कर लेंगे, ये काम है। ये सब जरूर सैंपल के तौर पर आपको नोट करना चाहिए अपने सॉफ्ट कॉपी में। क्लियर? क्या मिटा दूं मैं बच्चे? हाँ सर, अब मिटा दीजिए, मैं इतना में कैलकुलेट कर लूंगा, मैं कंप्लीट कर लूंगा। ओके बच्चे, चलो तो आज आप एक तीसरे मेथड पे हम लोग अब चलने वाले हैं सर। तीसरे मेथड यहाँ पे 330 आया बच्चे, फर्स्ट मेथड में भी 330, सेकंड मेथड से भी 330, थर्ड मेथड में भी 330 आना ही चाहिए। तो सर ये सिखा दीजिए। हाँ बच्चे, अब मैं सिखाने जा रहा हूं, और ये देखिएगा जादू आप अभी सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? जादू, है ना सर, आप जादू सिखाएंगे, अकाउंट पढ़ते पढ़ते जादू सिखा दीजिएगा। तो है ना क्या पे सर, मुझे जादू फिर लोगों को दिखाना पड़ेगा। हाँ बच्चे, अकाउंट वाला जादू मैं सिखाने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आखिरी को गायब कर दीजिएगा, आप चिड़िया ले आइएगा, है ना, यहाँ पे लोगों को गायब करना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा वाला जादू मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, अकाउंट्स वाली मैं जादू आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर? तो बच्चे आप सीखो। तीसरे मेथड की बात करें, तीसरा मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपका तीसरा मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। क्या बच्चे? एवरेज पीरियड मेथड। क्या सीखने जा रहे हैं? एवरेज आपका जो है पीरियड मेथड सीखने जा रहे हैं। एवरेज आपका क्या होगा? पीरियड मेथड। एवरेज आपका पीरियड आपका क्या है? मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड, राइट। ये एवरेज पीरियड मेथड्स आपका बच्चे सीखने जा रहे हैं, ओके। ये एवरेज पीरियड मेथड सीखने जा रहे हैं जी सर। ये बात है ना, यहाँ पे अब मुझे समझाइए सर डिटेल्स में। बच्चे एवरेज पीरियड मेथड में हमें आपका दो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके जो है मैं आपका जो लिख चुका हूँ मटेरियल में, मैं डिटेल्स में मैं दे चुका हूँ बच्चे, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, आपको बताता भी चलता हूँ। देखिए एवरेज पीरियड मेथड में दो फार्मूला का इस्तेमाल किया गया। कितने फार्मूला का? दो फार्मूला का, राइट, दो फार्मूला का। एक आपको जो मैं देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आपका है बच्चे
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल आपका ड्राइंग्स, टोटल आपका क्या होगा बच्चे, ड्राइंग्स हो जाएंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट आपका, इनटू रेट हो जाएगा, रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट, और इनटू क्या होगा एवरेज पीरियड होगा, क्या होगा एवरेज आपका क्या होगा पीरियड होगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा ठीक है, एवरेज पीरियड हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 राइट, 100 हो जाएगा और इनटू हमारा कितना होगा 12, इनटू कितना होगा 12, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या होगा 12 हो जाएगा। चलो जी ये आपका हो गया टोटल ड्राइंग्स इनटू हर रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या होगा 12 हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। हां जी अब उसके बाद अगला जहां तक पॉइंट्स है सर, टोटल आपका ड्राइंग्स इनटू हमारा रेट इनटू हमारा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12 ओके ये हो गया। सर एवरेज पीरियड बराबर एक फार्मूला और यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एवरेज पीरियड बराबर क्या बच्चे, एवरेज पीरियड बराबर एवरेज आपका पीरियड बराबर फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है आपका, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग divided by 2 ये देखिए ये दो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने फार्मूला, दो फार्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं ओके। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय आपका 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या होगा 12 राइट, ये बात हो गई। हाँ सर अब मुझे समझाइए सर ये दोनों पहले फार्मूला ही समझना पड़ेगा, हाँ बच्चे समझना पड़ेगा ओके, बिना समझे हुए कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, कुछ नहीं होता बच्चे बिना समझे हुए, कुछ होने वाला ही नहीं, समझेंगे तभी लाइफ आगे बढ़ेगी, नहीं समझेंगे लाइफ नहीं आगे बढ़ेगी। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन की बात करें कुछ भी बात करें, ये आपका प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, हर चीज को सीखना पड़ता है ना, बिना सीखे हुए तो आप कहने के यहाँ पे नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकते बच्चे। तो देखो जी अब मैं बात करता हूं वही प्रॉब्लम बच्चे वही रहेगा कि आपका ए और बी ने हर महीने के लास्ट डे को कितना निकाला है, 1000 रुपया पर मंथ निकाला है राइट, आपका 1000 रुपया पर मंथ निकाला है और आपका हर महीने के लास्ट डे को निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा वही 6% है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर भी 330 आना ही चाहिए ठीक है। तो चलिए हो गया, अब बच्चे यहां पे अब मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तीन मेथड्स आपका हो गया, मैं अब यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको सिखाने को वाला हूँ ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे बच्चे आप देखो ये आपका यदि मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे बच्चे आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका जो है यदि हम बात करें बच्चे तो ये आपका फिर है ना, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना देता हूँ फिर से मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ये देखो आपका लाइन जब मैं खींच रहा हूँ बच्चे एक लाइन मैं फिर आपका खींच रहा हूँ ठीक है, ये लाइन मैंने आपका खींचा ठीक है, तो ये देखो हमारा फिर क्या होगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हर महीने के लास्ट डे को हम कितना निकाल रहे हैं 1000 रुपीज पर मंथ है ना, ये मेरा फर्स्ट अप्रैल हो गया, फर्स्ट अप्रैल 2000 मेरा 17 था और ये मेरा जो निकाला जा रहा है वो 31st आपका मार्च 2000 क्या निकाला जा रहा है 18 को निकाला जा रहा है, 31st मार्च 2018 को निकाले जा रहे हैं बच्चे ओके। तो बच्चे देखो इसका मतलब हर आपका महीने के लास्ट डे को निकाला जा रहा है 1000 तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फार्मूला टोटल ड्राइंग्स बच्चे आप बताइए, मिस्टर ए हर महीने के लास्ट डे को 1000 रुपए निकालेगा तो पूरे 12 बार में कितना निकालेगा 12000, तो दैट इज टोटल क्या हुआ ड्राइंग कितना हो गया 12000 रुपए, कितना बच्चे
12,000 रुपया 12,000 इनटू रेट, रेट कितने हैं बच्चे 6%, क्या है 6% राइट 6%, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका इज इक्वल टू हमारा 12,000 या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका इज इक्वल टू आपका क्या हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग कितने हो गए 12,000 हजार रुपया पर मंथ है तो पूरे 12 आपका पूरे 12 महीने के लिए कितने हो गए 12,000 रुपया हो गए इनटू रेट, रेट कितना हो गया 6% राइट। फिर हमारा एवरेज पीरियड क्या बच्चे एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड हमारा जो है एवरेज पीरियड की हम यदि बात करेंगे बच्चे तो एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा सर, एवरेज पीरियड देखिए कैसे निकाला जाता है इस फॉर्मूले का मदद से मैं निकालने के लिए सिखा रहा हूं। क्या लिखता है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग का बच्चे यहां पे ध्यान सुनिएगा, इस एवरेज पीरियड को निकालना ही सबसे एक्सपर्टीज का काम होता है, ये आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी पहला ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो कब से कब निकालेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के इस पीरियड का निकालेंगे, तो कितना मंथ बचा हुआ है 11 महीना बचा हुआ है, तो नीचे एवरेज पीरियड निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपका करने के बाद कितना समय बचा हुआ है 11, मैंने 11 लिख दिया राइट ओके। फिर उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुआ 31 मार्च को, कब हुआ 31 मार्च को, क्योंकि हर महीने के लास्ट डे को निकाल रहे हैं ना, तो आपका 31 मार्च को निकाला, तो 31 मार्च को निकाला तो 31 मार्च को तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 11 बाय 2 इसका मतलब 5 पॉइंट कितना होगा 5 पॉइंट कितना होगा 5, क्या बात समझ में आ रही है या हाँ सर बात समझ में आ रही है, हर महीने के लास्ट डे को निकाला बच्चे तो कितना आ जाएगा 5.5 आ गया, तो ये जी हमारा फिर नीचे कितना है 100 इनटू फिर कितना होगा 12 राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हमने नहीं सीखे, दो चीजें क्या टोटल ड्राइंग्स कर लो, टोटल ड्राइंग मैंने 12,000 पे लिख दिया, एवरेज पीरियड भी निकालना बहुत आसान है, आपका टाइम लिमिट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला जो ड्राइंग हमने किया उसके कितना समय बचा हुआ है 11 है, और लास्ट ड्राइंग जो मैंने किया उसी डेट से तो 0 है 11/2 5 पॉइंट कितना हो गया 5 राइट ये हो गया। अब उसके बाद इसको काट दीजिएगा ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 6, 60 × 5.5 हो जाएगा 330, देखा आपने आंसर आ गया, तो 330 आ गया, हाँ सर आ गया सर, ये बात तीनों आपने प्रूफ कर दिया सर, तीनों मेथड से हमने सीख गया सर, ये तो सबसे आसान लगा सर, तो ये तो आपका बहुत आसान है सर, इसी मेथड से आपका देखिए सर उतना लंबा चौड़ा आपने कैलकुलेट करवाया और ये कितना दो लाइन में सर बन गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड, सर एवरेज पीरियड निकालना ही थोड़ा एक्सपर्टीज का काम है यहाँ पे, हाँ बच्चे दो तीन एग्जाम्पल मैं दे करके समझा रहा हूँ आप फटाफट आपने सीखे, ये कब मैंने किया तो एवरेज लास्ट डे को निकाला, हर महीने के लास्ट डे में निकाला, हर महीने के लास्ट डे को निकाला, हर महीने के लास्ट डे को निकाला, तो एवरेज पीरियड बराबर कितना हो गया 5.5, याद रखिए ठीक है, अब ये बात में सही यूज करेंगे 5.5 राइट। अब यदि हर महीने की पहली तारीख को निकाले 1,000 रुपया, हम 1,000 रुपया ही रखेंगे जी ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज 6% ही रखेंगे, हर महीने की पहली तारीख को यदि मिस्टर राजू हर महीने की पहली तारीख को निकाले 1,000 रुपया हर महीने की पहली तारीख को, इसका मतलब पहली अप्रैल फर्स्ट आपका अप्रैल फर्स्ट मई फर्स्ट जून फर्स्ट जुलाई अगस्त फर्स्ट जुलाई फर्स्ट अगस्त फर्स्ट सितंबर इसी प्रकार से फर्स्ट मार्च राइट। तो अब आखिर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा बच्चे ये देखो, अब हमारा जो है अब मैं समझा रहा हूं, अभी मैंने लिया था हर महीने के लास्ट डे को, हर महीने के लास्ट डे को मैंने लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूं हर महीने के लास्ट डे को नहीं लेकर के मैं क्या कर रहा हूं हर महीने की पहली तारीख को मैं ले रहा हूं, हर महीने की पहली तारीख को ले रहा हूं, तो हर महीने की पहली तारीख को लेके तो 1,000 × 12 ही निकलेगा, 12 महीना होता है तो लास्ट भी करके निकाले या हर महीने की पहली तारीख को निकाले तो 12,000 रुपया हो गया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा सेम रहेगा, एवरेज पीरियड बदलेगा, एवरेज पीरियड सर बदलेगा तो अब जो होगा हमारा अब जो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा जो पहला हम अब ड्राइंग करेंगे वो पहली अप्रैल को करेंगे, कब करेंगे पहली अप्रैल को करेंगे, तो पहली अप्रैल से लेकर के इस डेट का बीच का हमारा जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा 12, क्या होगा 12,
और लास्ट ड्राइंग मेरा कब होगा? फर्स्ट मार्च को। तो इसके बीच का पीरियड अब कितना हो जाएगा? वन मंथ। तो आपका 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13 डिवाइडेड बाय 2। तो 13 बाय 2 कितना हो जाएगा? 6.5। क्या होगा बच्चे? 6.5। तो यहां पे हो जाएगा 6.5। ओके, तो ये हमारा आपका बाय 12 इनटू कितना होगा? 100। यहां हमारा कट गया, ये हमारा आपका हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा 60 हो गया, है ना जी? या तो बच्चे आप यहाँ पे देख लो, हमारा आपका 60 हो गया, ये हमारा 300 कितना आ जाएगा? 90। 300 क्या आएगा? 90, क्योंकि बच्चे अब हमारा पहली तारीख को निकल रहा है, इसलिए 390 आ गया। अब वो 330 मत ढूंढते रहिएगा, है ना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अब बदल गया। तो आपने एक बात गौर किया कि हर महीने की पहली तारीख को जब निकालेंगे तो एवरेज पीरियड कितना होगा? 6.5। और हर महीने की 15 तारीख को निकालिएगा तो 6 आएगा, और हर महीने के लास्ट में निकालिएगा तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5 आएगा। क्या आएगा? 5.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सपर्टीज होना है इसमें, है ना। तो अब यदि मैं बारी बारी से ये हर महीने की पहली तारीख को निकाला तो एवरेज पीरियड कितना आ गया बच्चे? 6.5 आ गया, ठीक है। तो अब यदि कोई कहे तो 10 रुपया पर मंथ निकाल रहे हैं, हर महीने की पहली तारीख को निकालें तो क्या एवरेज पीरियड वहां निकालना पड़ेगा? नहीं। आप अपना आपको ये दिमाग में सेट कर लेना पड़ेगा कि यदि हर महीने की पहली तारीख को निकालेगा तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5। हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा तो 6 आएगा, और हर महीने के लास्ट को निकालेगा तो कितना आएगा? 5.5 आएगा, राइट। तो ये चीज है। अगला पॉइंट, तो अब यदि हम मैं बातें करूं कि हर महीने की 15 तारीख को निकालता है तो सर क्या होगा? हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा तो सर क्या होगा? ये आप देख लो बच्चे, तो हर महीने की 15 तारीख को निकालेगा तो ये पूरे 12 महीने में कितना होगा? 12,000 रुपया। पहला ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल 15 जून 15 जुलाई 15 अगस्त सितंबर 15 नवंबर, राइट। इस तरह से तो हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, 12 × 6 × एवरेज पीरियड यही निकालना है। तो एवरेज पीरियड निकालना है तो बच्चे ये जब हमारा 15 अप्रैल को निकालेगा तो इस डेट से इस डेट के बीच का पीरियड कितना होगा? 11.5। और लास्ट जब निकालेगा 15 आपका मार्च को तो फिर भी कितना आएगा? 0.5, हाफ मंथ। हाफ मंथ को कितना लिखेंगे? 0.5। कितना लिखेंगे? 4.5 divided by 2। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 12 बाई क्या होगा? 2, 6 मंथ आएगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि 6 बाई फिर हमारा क्या होगा? 12 इंटू कितना होगा? 100। ये काट दीजिए, ये हमारा कितने हो जाएंगे बच्चे? ये हमारा 10 हो जाएगा। 300 कितना आ गया? 60। 300 कितना आ गया? 60। तो सर ये आप मैंने यहाँ पे सर हर महीने की 15 तारीख को निकालिए या हर महीने की पहली तारीख को निकालिए, हर महीने के लास्ट डे को निकालिए, सर ये तो आपने सर सिखा दिया। और एवरेज पीरियड वाला भी याद हो गया, 6.5। हर महीने की पहली तारीख को निकालेंगे तो 6.5 होगा, 15 तारीख को निकालेंगे तो 6 आएगा, और लास्ट डे को एवरी मंथ निकालेगा तो 5.5 आएगा, राइट। तो ये आपको याद हो चुका होगा, है ना। तो बच्चे अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हर महीने की, अब मान लीजिए कि ये तो आपने हर महीना देखा बच्चे, मैं यदि कहूं अब एक्सपर्टीज आपको बनाने के लिए, यदि हर महीने की 10 हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपया निकाले, कितने निकाले? 5,000 रुपया। हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपया निकाले तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका? ये फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, है ना। तो अब देखिए हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपया निकालेगा तो आपका कितना होगा ये बता दीजिए। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा वही रहेगा। तो देखो बच्चे अब हमारा आपका कितना हो जाएगा, पूरे 12 महीने में कितना हो गया? 60,000 × 6 हो जाएगा। और हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है तो अब क्या हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा? क्या नहीं, हमें सीधा सीधे कितना ले लेंगे? 6. कितना होगा? 5 divided by 5 कितना होगा? 12 × कितना होगा? 100, राइट। ये कट देंगे ये हमारा हो जाएगा कितने? हमारा 50 हो जाएगा। हां जी, हमारा 50 हो जाएगा। और दिस इनटू दिस हमारा करेंगे आपका 30, ये आपका हमारा हो जाएगा 1900 कितना आएगा? 50 रुपया, 1950 आ जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा, हाँ जी, 1950 रुपया। 1900 कितने आ जाएंगे? 50, हर महीने की पहली तारीख को निकल गया। तो इसी तरह से आप जो है जिस भी तरह का कहेगा, अब देखिए मैं पॉसिबिलिटी अब बताता हूँ बच्चे, अब मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि ये तो अभी हर महीने की बात हो रही थी। अब मान ली जाए कि अब हर 3 महीने के लास्ट में निकाले, सर अब हर महीने आपका 3 महीने के लास्ट में निकाले तो कैसे होगा, राइट। मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ।
अब देखो बच्चे, अब यदि मान लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट, या हमने ये हमारा हो गया। तो ये आप देखो बच्चे, है ना, या तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका हो जाएगा। तो देखो बच्चे, हर महीने की आप जब मान लीजिए कि हर महीने, हर तीन महीने के लास्ट में 10,000 रुपया निकालता है, हर तीन महीने के लास्ट में कितना निकालता है, 10,000 रुपया। ए मिस्टर कौन, ए मिस्टर ए आपका हर महीना नहीं निकालता है, अब हर तीसरे महीने के लास्ट में, तो ये हर तीन महीने के लास्ट में निकालेगा। तो पहला हमारा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये पहला हमारा आपका यहाँ पे फिर 10,000 रुपया निकाला, फिर यहाँ पे 10,000 रुपया निकाला, राइट, ये आपका तीन महीने के लास्ट में, फिर तीन महीने के लास्ट में निकाला। तो बोलो बच्चे, टोटल आपका 4 बार में कितना निकाला, 40,000 रुपया निकाला। कितना निकाला, 40,000 रुपया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, सर फटाफट कैलकुलेट करना सीखे बच्चे। टोटल हमारा आपका हर महीने, हर तीन महीने के लास्ट में, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन महीने के लास्ट में, तीन महीने के लास्ट में, राइट, तीन महीने के लास्ट में निकाल रहा है, तीन महीने के लास्ट में, हर तीन महीने के, हर तीन महीने के लास्ट में निकाल रहा है। तो 10,000 10,000 टोटल कितने में होगा, 40,000 × 6%। अब हमें एवरेज पीरियड निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, एवरेज पीरियड। तो देखो ना, एवरेज पीरियड, ए मींस क्या हुआ, एवरेज, पी मींस क्या हुआ, पीरियड। ओके, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। बताइए, पहला ड्रॉइंग आपने किया है, तो पहला जो ड्रॉइंग किया, इससे आपका, इसके बीच का पीरियड कितना हो गया, 9 मंथ। कितना बच्चे, 9 मंथ, राइट, 9 मंथ हो गया। कितना हो जाएगा, 9 मंथ हो गया। ये पहला जो ड्रॉइंग, तीन महीने के लास्ट में जो ड्रॉइंग किया, यहां से आपका तीन महीने के लास्ट में से लेकर 12 मंथ आपका लास्ट तक में कितने मंथ हो गए, 9। और लास्ट ड्रॉइंग हमने कब किया है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 / 2, तो 4 पॉइंट कितना हो गया, 5। 4 पॉइंट कितना हो जाता है, 5 / क्या होगा, 12 × कितना होगा, 100, राइट। ये तो आप बच्चे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना बच्चे, 900। तो क्या हो गया, समझ में आ चुका होगा बच्चे। इसी तरह से ये तो मैंने हर तीन महीने के लास्ट में किया। यदि कहे क्वेश्चन में कि हर तीसरे, हर तीन महीने के, हर क्वार्टर के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में, तो ये हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकालेगा, ये हर महीने के लास्ट में निकालना सीख है। हाँ सर सीख है, ठीक है, एवरेज भी निकालना सीख है। यहां से यहां के बीच में कितना हुआ, 9 मंथ। लास्ट वाला हमारा चूंकि निकाला है, लास्ट क्वार्टर है, तो 0 हो जाएगा। तो आपका 9 + 0 9 हो गया, 9 × 2 हो गया, 4.5 एवरेज स्पीड हो गया, कितना, 4.5, 900 आ गया। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर ये बात इसके आगे बताइए सर, इसके बाद आगे बताइए सर। तो बच्चे मान लिया जाए कि हर क्वार्टर के, हर तीसरे महीने के, हर तीन महीने के, हर क्वार्टर के पहली तारीख को, ये हमारा 1 अप्रैल को यहाँ निकल गया, यहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा, यहाँ, और ये वाला लास्ट क्या होगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि हर क्वार्टर के क्या कर रहा है, बिगनिंग में। तो इस क्वार्टर का बिगनिंग यहाँ पे है, इस क्वार्टर का बिगनिंग ये है, इस क्वार्टर का बिगनिंग ये है, और इस क्वार्टर का बिगनिंग ये है। आप हमें इंटरेस्ट ऑन आपका क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर कितना अमाउंट निकलेगा, 40,000 × हमारे कितने हो जाएंगे, हमारा इंटू बच्चे हो जाएंगे आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 6% हो जाएगा। कितना परसेंट, 6% के रेट से हमारे हो जाएंगे। कितने बच्चे, 6% के रेट से हो जाएगा। और एवरेज पीरियड बराबर, एवरेज पीरियड बराबर हो जाएगा। आप बताओ, ये पहला जो ड्राइंग हुआ और लास्ट ड्राइंग के बीच का पीरियड कितना है, 12 मंथ। कितना बचे, 12। और लास्ट ड्राइंग हुआ हमारा 10,000, इसके इसके बीच का पीरियड कितना है, 3। तो 3 हमारा, 12 + 3 आपका हो गया 2। 7 पॉइंट कितना आएगा, 5, 7.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 12 × कितना होगा, 100 हमारा हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 200 × हमारा इतना हो जाएगा बच्चे, आपका हो जाएगा 1500 रुपया आ गया। कितने बच्चे, 1500। तो बच्चे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, यदि हर 4 महीने के लास्ट में हो, हर 4 महीने के लास्ट में हो तो साल भर में कितने बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा। यदि हर 6 महीने के लास्ट में हो तो साल भर में कितने बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। क्लियर। तो इस तरह से किसी भी तरह के हमारे केसेस रहेंगे, किसी भी तरह का सिचुएशन हमारा रहेगा, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बात क्लियर हो गई,
ओके हाँ सर, आज आपने सर पूरी तरह तीनों केस सर तीनों मेथड से आपने समझा दिया। बच्चे अब आपको ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं है ना अगले दो दिनों में, सैटरडे संडे दो दिन आपकी हमें यहाँ पे आपका दो दिन जो आपका छुट्टियां रहेगी उस दौरान आपको मैं आपका जो है आज बहुत ही ज्यादा मैंने डिटेल्स में आपको मैंने टास्क देने के लिए मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी कि आप जो है एनसीईआरटी एसके सिंह आपका डीके गोयल या आपका वी वासन ये सब सारे बुक से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आज आपका फोकस होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि उधर आपका बीच में दो चार प्रॉब्लम बचा हुआ भी है तो उसे अभी आप ब्रेक करेंगे और आज अभी आपने जो सीखा है पूरी तरह आप जो फोकस करेंगे किस पे अपना माइंडसेट जो फोकस करिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे सेट कीजिएगा। क्लियर? तो अगले दो दिनों में बच्चे आप सब लोग क्या करेंगे ये है कि आप अगले दो दिनों में आप इसको जो है बना करके रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नई बातें सीखेंगे, इसी पे हम लोग और नई बातें सीखेंगे। पहले नॉमिनिकल लेंगे और फिर नॉमिनिकल के बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, आप लोग ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लाइव क्लासेस में आने वाला हूं तो आप सभी लोग मल्होत्रा ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस को जो आप क्या करेंगे यूट्यूब से आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाइएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट, और फिर मैं डेट अनाउंस करूंगा। ओके, और कौन कौन जो जो आपका कर लिया है वो अपना क्या करेगा मैसेज पास आउट कर देगा। ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें सुरक्षित रहें। ओके।